हेलो गाइज, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं तुम्हारे जेट ट्रांसफॉर्म के सारे सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर हाँ, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है? जो मेरे जो नए नए वीडियो तुमको मिलते रहें, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, कैन दी आर ओ सी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिक्वेंस। इसका देखो, अगर हम किसी को आर ओ सी निकालना है, ठीक है ना, तो उसको हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी पॉइंट से निकाल सकते हैं। जैसे कि राइट साइडेड है, ठीक है, राइट साइडेड मतलब है तो ग्रेटर देन, लेफ्ट साइडेड है तो लेस देन। यू एन का मतलब होता है राइट साइडेड, यू माइनस एन माइनस वन का मतलब होता है लेफ्ट साइडेड। तो जो उसका आर ओ सी होगा, दिस इज आर ओ सी इज मॉड ऑफ जेड, सॉरी मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1/3। देन इसका आर ओ सी क्या होगा, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1/2, ठीक है? तो इसका जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा, इसका आर ओ सी होगा। देखते हैं भैया आर ओ सी इसका कैसे बनेगा, ठीक है? इसका कितना था, 1/3, दिस इज 1/2, ठीक है? तो ये 1/2 मॉड ऑफ जेड है, तो एक सर्कल बनाएगा ये, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो आर ओ सी क्या होगा, इन दोनों के बीच का होगा, 1/3 से ग्रेटर देन और 1/2 से लेस देन, यही तो होगा आर ओ सी। तो कौन सा पार्ट हो गया सही, ए पार्ट सही हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन कंसिस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच एक्स एन आर की पावर माइनस एन इज। देखो, जो हम पढ़ाया था आर ओ सी होता है, आर ओ सी में देखते हैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक है? ये क्या होगा, एब्सोल्युटली समेबल होगा। आर ओ सी कंडीशन होती है कि वो एब्सोल्युटली क्या हो, समेबल हो। लेस देन वन ये भी गलत, यूनिटी ये भी गलत, लेस देन क्या इन्फिनिटी लिखा होता तो सही कह सही, हम उसको टिक लगा देते, ठीक है? एब्सोल्युटली समेबल मतलब उसकी वैल्यू लेस देन इनफाइनाइट, मतलब फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है ना? सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड जेट ट्रांसफॉर्म फॉलोइंग सिग्नल एंड कमेंट ऑन आर ओ सी फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, ठीक है? ये हमको सिग्नल दे रखे हैं, इसके हमको जेट ट्रांसफॉर्म और उसके आर ओ सी पर कमेंट करना है, ठीक है? कमेंट्री करना जानती हो, बीटेक वालों यार, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा था, ठीक है? ये क्वेश्चन हमारा क्या था, ये सिग्नल क्या था, राइट साइडेड है, क्योंकि ये हमारा एन इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, ठीक है? तो राइट साइडेड है, तो इसका जो जेट ट्रांसफॉर्म होगा क्या होगा, देखो अगर हमारा सिग्नल फिक्स ड्यूरेशन का है, ठीक है, मतलब बाउंडेड इनपुट है, तो हमारा जो सिग्नल होगा क्या होगा, सिग्नल का जो आर ओ सी होगा वो क्या होगा, इंटायर जेट प्लेन होगा, ठीक है? तो हम कह सकते हैं ये सारे सिग्नल क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड है, या फिर बोलते हैं फाइनाइट ड्यूरेशन के, ठीक है? अगर कोई सिग्नल फाइनाइट ड्यूरेशन का है तो उसके आर ओ सी क्या होगा, इंटायर जेट प्लेन होगा। इसका भी इंटायर जेट प्लेन, इसका भी इंटायर जेट प्लेन, इसका भी इंटायर जेट प्लेन, ठीक है? लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं, देखते हैं। जैसे कि हमको जेड ट्रांसफॉर्म फाइनाइट बनने का तरीका, सॉरी फार्मूला ये है, समेशन एच इक्वल टू टू, समेशन एन इक्वल टू 0 to 2 से जा रहा है, 0, 1, 2 x1n जेड की पावर माइनस है, ठीक है? सारी वैल्यू जब इसमें पुट करोगे, x1 नॉट की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू कितनी है 1 है, x1 2 की वैल्यू कितनी 1 है, तो सारी वैल्यू यहाँ पर यहाँ पुट करोगे तो हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, ठीक है? हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऐसा आ जाएगा, मतलब इसमें इसमें जेड की सारी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आता रहेगा, बट जेड इक्वल टू 0, जब इसमें जेड इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइन हो जाएगा, मतलब अनडिफाइन होगा, ठीक है? तो क्या होगा, इंटायर जेड प्लेन नॉट इंक्लूडिंग जेड इक्वल टू 0, क्योंकि जेड इक्वल टू 0 पर क्या है, ये अनडिफाइन है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर ओ सी पर, आर ओ सी पर कमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस सिग्नल इज राइट साइडेड एंड इट्स आर ओ सी इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये है, ये अब एन इक्वल टू 0 या -1, -2, ठीक है? तो हमारा जो आर ओ सी हुआ उसके बाद सिग्नल क्या है, लेफ्ट साइडेड है, ठीक है? सिग्नल लीजिए लेफ्ट साइडेड लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमारा जो समेशन निकालेंगे या जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे क्या होगा, एन इक्वल टू -2 to 0, एन इक्वल टू -2 to 0, ठीक है? पुट करोगे एन इक्वल टू -2 तो ये आएगा, एन इक्वल टू 1 पुट करोगे तो -1 पुट करोगे तो ये आएगा, एन इक्वल 0 पुट करोगे तो ये आएगा, ठीक है? जहाँ से ये कॉमा लगा होता है, एन इक्वल टू 0 वहीं से स्टार्ट होता है, तो ये लेफ्ट साइडेड है। तो इसका जो सिग्नल बनेगा जब इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे,
कैसे बनेगा एन, उसमें इसमें एन की वैल्यू टू माइनस टू माइनस वन और जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स टू माइनस टू जेड की पावर माइनस एन था, यहाँ प्लस टू हो जाएगा एक्स एन माइनस जेड की पावर प्लस वन एक्स नॉट जेड की पावर माइनस जीरो या जीरो एक की बात होती, ठीक है। तो इन एक्स नॉट एक्स ऑफ माइनस वन एक्स ऑफ माइनस टू की वैल्यू कितनी रखी, वन वन वन, ठीक है। एक्स नॉट की वैल्यू वन होती है, एक्स की पावर माइनस वन की वैल्यू एक्स की पावर वन की वैल्यू एक्स की पावर वन मतलब वन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसा सिग्नल कैसा लेफ्ट साइडेड था, ठीक है। अब लेफ्ट साइडेड था और फिक्स ड्यूरेशन का, तो उसका आर ओ सी क्या होगा, एंटायर जेड प्लेन होगा, ये पता है, ठीक है, एंटायर जेड प्लेन होगा। बट ये सिग्नल एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पर अनडिफाइंड है, जब एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो पुट इनफाइनाइट दे देगा आंसर, ठीक है। जब ये इनफाइनाइट दे देगा तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आर ओ सी हुआ एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। और जो सिग्नल एच टू है वो क्या है, लेफ्ट साइडेड है, तो वह कमेंट सेक्शन में आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन थर्ड के रखता है, ठीक है। अब देखो, अब एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू वन और एन इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो जीरो के राइट में भी आ रहा है और जीरो के लेफ्ट में भी आ रहा है, तो ये कैसे कौन सा सिग्नल है, ये टू साइडेड सिग्नल है, ठीक है। जैसे पुट करोगे तो एन इक्वल टू माइनस वन टू एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू माइनस वन टू एन इक्वल टू वन, एक्स थ्री एन, एक्स थ्री एन जेड की पावर माइनस है, ठीक है। ये सारी वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो हमारा सिग्नल कैसे बनेगा, ऐसा आएगा, आई थिंक यहाँ से यहाँ तक कर लोगे, ठीक है ना। अब देखते हैं जो इसका, देखो ये फिक्स ड्यूरेशन का है तो इसका आर ओ सी क्या होगा, एंटायर जेड प्लेन होगा, क्या होगा, एंटायर जेड प्लेन होगा एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि जेड इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा बट ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जब जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब जेड इक्वल टू जीरो एंड इनफाइनाइट पर जो हमारा सिग्नल है क्या, अनडिफाइंड है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स थ्री इज अ टू साइडेड सिग्नल एंड इट्स आर ओ सी इज एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी आर ओ सी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ अ यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। जब यूनिट स्टेप फंक्शन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका आर ओ सी क्या होता है, ये फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है, क्या होता है, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर दैन वन, पढ़ाया है यार, ये तो फॉर्मूला पढ़ाया, पढ़ाने की जरूरत क्या है। देखो यू एन का जो आर ओ सी होता है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर दैन वन, ठीक है। उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स, या फिर बोल सकते हैं जेड अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है ना। तुम्हारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो तुमको याद करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूले, तभी कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दे रखे हैं, ये हमारा इनपुट सिग्नल दे रखा है और ये उसका जेड ट्रांसफॉर्म दे रखा है और ये उसका आर ओ सी है, फाइनल आंसर, ठीक है। अब अल्फा की पावर एन यू एन, अल्फा की पावर एन यू एन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, बोलो बोलो बोलो, हमने पढ़ाया था वन अपॉन वन माइनस अल्फा जेड इनवर्स, याद आ रहा है, देखो ठीक है क्या, वन अपॉन वन माइनस अल्फा जेड इनवर्स या फिर जेड अपॉन जेड माइनस अल्फा, ये उसका आर ओ सी होगा, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। अब माइनस यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, तो इसका आर ओ सी उल्टा हो जाता है और हमारा सिग्नल सेम रहता है या जेड ट्रांसफॉर्म सेम रहता है, ठीक है। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इज ग्रेटर देन वन, अल्फा इज ग्रेटर, सॉरी मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन अल्फा, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा और ये इसका है वो, और इसका सेकेंड हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा। अब आता है ये, ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, एन अल्फा की पावर एन यू एन, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ाया था, अल्फा जेड इनवर्स वन माइनस अल्फा जेड इनवर्स का होल स्क्वायर, और जो इसका आर ओ सी होगा यू एन है तो इज ग्रेटर देन माइनस एन माइनस वन है तो लेस देन, याद है, ठीक है ना। अगर दो सिग्नल दे रखे हों, ठीक है, दो सिग्नल दे रखे हों, उसका जेड ट्रांसफॉर्म पता नहीं है, तो उसके आर ओ सी से निकाल सकते हो, अगर यू एन है तो ग्रेटर देन यू माइनस एन माइनस वन है तो लेस देन, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन हो देख लेना, आई थिंक इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है।
डी लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये छठा, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। ठीक है, ये हमको तीन सिग्नल दे रखे हैं, इसके जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और उसे फाइंड आउट करना है, उससे जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो सॉल्व करना है कि नहीं बता दें, तो इसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका हमको जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वन अपॉन वन माइनस अल्फ़ा, जेड इनवर्स अल्फ़ा ये भी रखा है, और जो इसका आर ओ सी होता है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर दैन अल्फ़ा, मतलब वन बाई टू, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, वन बाई टू। फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इसका भी क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म, इसका जेड ट्रांसफॉर्म यही होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम यहाँ पर रख के आंसर निकाल लेंगे, बट अब आर ओ सी पे आता है। ठीक है, अब आर ओ सी को पहले पोल लिखते हैं, एक पोल है वन बाई थ्री पर, एक पोल है वन बाई टू पर, तो हमको ये रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस बना दी, तो इसमें कौन सी, वन बाई थ्री एंड वन बाई टू। अब इसका आर ओ सी है वन बाई थ्री से ग्रेटर दैन, इसका आर ओ सी है वन बाई टू से ग्रेटर दैन, इसका आर ओ सी वन बाई थ्री से ग्रेटर दैन, इसका आर ओ सी वन बाई टू से ग्रेटर दैन, तो इसका जो कॉमन पार्ट होगा, कॉमन पार्ट क्या होगा, वन बाई टू से ग्रेटर दैन, तो आर ओ सी कहाँ बनेगा, इस एंटायर जेड प्लेन मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर दैन वन बाई टू। समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। ठीक है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लोगे क्या आएगा, वन अपॉन वन माइनस वन बाई टू जेड इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन माइनस टू अपॉन थ्री जेड इनवर्स। ठीक है, ये लिख, सॉरी मैं गलत कर दिया है, टू बाई थ्री जेड इनवर्स। ठीक है, इसका जो आर ओ सी होगा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन बाई टू, इसका आर ओ सी होगा मॉड ऑफ जेड लेस देन टू बाई थ्री। ठीक है, हम इन दोनों से देख के लिख सकते हैं, जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वही मॉड की वैल्यू, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू डिफाइन करती है। ठीक है, इसका आर ओ सी मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन बाई टू, इसका हो जाएगा मॉड ऑफ जेड लेस देन थ्री बाई टू। ठीक है, अब इसे लिखते हैं आंसर क्या सही है। हाँ, एक दो पॉइंट, दोनों पॉइंट लगती है, दिस इज वन बाई टू, दिस इज टू बाई थ्री। ठीक है, इसका आर ओ सी क्या रहा था, वन बाई टू से ग्रेटर देन, इसका आर ओ सी आ रहा था लेस देन वन बाई थ्री, टू बाई थ्री। ठीक है, तो इसका जो कॉमन पार्ट होगा, जो कॉमन एरिया होगा, वो सर्किल होगा, सर्किल एक स्ट्रिप बनाएगा, वही उसका आर ओ सी होगा। समझ में आ रहा, तो आर ओ सी उसका ये है। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड अपॉन जेड माइनस वन बाई टू, इसको लिख सकते हैं माइनस जेड अपॉन जेड माइनस टू बाई थ्री। ऐसे भी सॉल्व करना चाहिए, ऐसे भी, आई थिंक ऐसा अच्छा लग रहा है ना, अब इन्होंने ऐसा तय किया तो ऐसे ही देख लो। ठीक, वैसे मैं किताबों में सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तुरंत आंसर आता है, क्योंकि तुम्हारे अगर तुमको दोनों याद करने हैं, क्योंकि तुम्हारे ऑप्शन, तुम्हारे गेट ये सब वाले गधे बैठे नहीं पढ़ाने के लिए, तो तुम्हारे आंसर इसमें भी दे सकते हैं और इसमें भी दे सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो दोनों की तैयारी करो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये था थर्ड। ठीक है, क्या था, इसका आर ओ सी फाइंड आउट करना है, जेड ट्रांसफॉर्म आर ओ सी दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका जो आर ओ सी होगा क्या होगा, मॉड ऑफ जेड जो पहले का होगा क्या, एक सेकंड, इसका होगा मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन बाई थ्री, क्योंकि यू, ये यू माइनस एन माइनस वन, और जो इसका आर ओ सी होगा मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, अब देखते हैं, ये रियल, ये इमेजिनरी जेड एक्स है। ठीक है, दोनों पॉइंट रखते हैं, दिस इज वन, दिस इज वन बाई थ्री। ठीक है, ये दो सर्कल बना दिए मैंने, इसका आर ओ सी मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन बाई थ्री, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन बाई थ्री, मतलब इससे कम। ठीक है, ठीक है, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन, तो इसका कोई कॉमन आर ओ सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जिस फंक्शन का कॉमन आर ओ सी नहीं आता है उसका जेड ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हमको पहले जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के से पहले हमको उसका आर ओ सी पता हो तो हम उसका आंसर जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये दोनों ऑप्शन होंगे, मतलब ये लिखा होगा उस जो क्वेश्चन के ऑप्शन में, बट एक ऑप्शन लिखा होगा जेड ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल, लड़के ये कुछ देखते नहीं, आर ओ सी देखते नहीं, सीधे जेड ट्रांसफॉर्म निकाला, टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें सब क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है, तुमको उसके आर ओ सी फाइंड आउट करना है, अगर आर ओ सी पॉसिबल है तभी उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालो,
अदरवाइज तुम्हारे ऑप्शन गलत हो सकते हैं, ठीक है, आंसर गलत हो सकते हैं, ठीक है। गेट में बहुत बार ऐसा हुआ है और यूएस में बहुत बार ऐसा हुआ है, लड़के गलत करके आए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स एन इक्वल टू इतना दे रखा है, देन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आर ओ सी एंड जेड ट्रांसफॉर्म इन जेड प्लेन, ठीक है। लेकिन हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, सिर्फ आर ओ सी दे रखे हैं, ठीक है। तो हम जेड ट्रांसफॉर्म नहीं निकालेंगे, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, सिर्फ आर ओ सी निकालेंगे। लड़के यहीं गलती कर देते हैं, बस क्वेश्चन पढ़ा और सीधे सॉल्व करने बैठ गए, ठीक है। ऑप्शन में हम जो हमको आर ओ सी अकेला दे रखा है, जेड ट्रांसफॉर्म निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हम आर ओ सी देखते हैं केवल, ठीक है। जब एक फंक्शन ये दे रखा है, दूसरा फंक्शन ये दे रखा है, क्वेश्चन ट्रिक देखो, इन्होंने क्या मोड ऑफ एन निकाल दिया, लगा दिया। मोड ऑफ एन का मतलब एक तो पॉजिटिव भी जाएगा, एक नेगेटिव जाएगा, ठीक है। मतलब प्लस एन भी होगा, माइनस एन भी होगा। तो हम एक्स एक्स वन, इसको हम एक्स वन एन मान लेते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन बाई थ्री की पावर एन यू एन, ठीक है। जब पॉजिटिव होगा एन, जब एन नेगेटिव होगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे वन बाई थ्री की पावर माइनस एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, क्योंकि अगर प्लस होगा तो राइट साइडेड होगा, माइनस होगा तो लेफ्ट साइडेड होगा। तो लेफ्ट साइड राइट साइडेड के लिए ऐसे लिख दिया, लेफ्ट साइडेड के लिए ऐसे लिख दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो इसका अब आर ओ सी देखना है, तो जो इसका आर ओ सी होगा मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन बाई थ्री, समझ रहे हो ना। इसका जो आर ओ सी होगा मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन बाई थ्री, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, जो इसका यही ना, तो जो इसका आर ओ सी होगा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन बाई टू, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हाँ ठीक है। तो देखते हैं भैया, अब हमको क्या फिगर बनाना है, ठीक है। हम कौन कौन से पार्ट थे, वन बाई थ्री एक कोल है, दिस इज वन बाई थ्री, एक वन बाई टू कोल है, वन बाई टू, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक हमारा आर ओ सी आ रहा है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन बाई थ्री, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन बाई थ्री, मतलब इसके आगे भी होगा, इसके पीछे भी होगा, क्योंकि ये क्या टू साइडेड सिग्नल है, क्या है टू साइडेड है, तो आर ओ सी क्या होगा दोनों साइड होगा, बट वन बाई टू पर, वन बाई टू पर क्या है ग्रेटर देन है, तो इसका आर ओ सी होगा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन बाई टू, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा ना। इन्होंने गलत कर दिया है, इस किताब में गलत लिखा हुआ है, देखो इसका आर ओ सी इन्होंने क्या दिया है, इज ग्रेटर देन लेस देन थ्री, ठीक है, ये गलत है, क्या होगा लेस देन वन बाई थ्री होगा, शायद मिसप्रिंट होगा, नहीं मिसप्रिंट क्वेश्चन ही गलत है, आर ओ सी इन्होंने ये लिखा है। हमारा आर ओ सी क्या आएगा, हमारा आर ओ सी आएगा इन दोनों का कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये आ रहा है मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन बाई टू, उसके ऑप्शन भी गलत है, ठीक है ना। लड़के जो हमारे कमेंट में करके बताना कि ये क्वेश्चन गलत है कि मैंने सॉल्व गलत किया, ठीक है। अगर मैंने सॉल्व गलत किया क्या होगा, तो देख के मैं दोबारा कह रहा है, इफ द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक्स वन एन एंड एक्स टू एन इज इतना, हमको आर ओ सी गिवन है, देन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एक्स वन एन एंड एक्स टू एन, ठीक है। अब मैं ये बता देता हूँ कि जो फंक्शन होते हैं उसका जो आर ओ सी होता है, क्या बोला, जो फंक्शन होता है उसका जो आर ओ सी होता है उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है, ना कि उसके ऑपरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जो उसका जो उसका एडिशन पे आर ओ सी होगा वही उसके सब्ट्रैक्शन पे आर ओ सी होगा, ठीक है। तो आर ओ सी सेम होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा चाहिए, ठीक, क्या बोला मैंने, जो हमारा आर ओ सी होता है वो फंक्शन पर डिपेंड करता है, फंक्शन के ऑपरेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर दो फंक्शन का एडिशन करते हैं जो आर ओ सी आता है वही आर ओ सी आएगा जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शन किस जो आर ओ सी किस पर डिपेंड करता है, फंक्शन पे, ना कि उसके ऑपरेशन पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्या फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल, ठीक है। इसका फॉर जेड ट्रांसफॉर्म उस फॉर्मूले पर रखे हैं, ठीक है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे होता है देखो, क्या होता है, वन माइनस ए कॉस ओमेगा नॉट जेड इनवर्स अपॉन वन माइनस टू ए कॉस ओमेगा नॉट जेड इनवर्स प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है ना।
तो देखो तुम, ये मैंने बोला था याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ ये याद करना है उसमें प्रॉपर्टी लगानी है। जब किसी फंक्शन में ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो फंक्शन होता है जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो जेड अपॉन ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जेड लिखा है वहाँ जेड अपॉन ए पुट करोगे तो ये फंक्शन अपने आप आ जाएगा। इसमें जेड अपॉन ए पुट करोगे तो ए ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो क्या जाएगा, ए जेड इनवर्स, इसका भी ए जेड इनवर्स, इसमें ए स्क्वायर जेड की पावर -2, तो ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद करना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बनाना अगर याद करने हो अच्छी बात है, ठीक है। टाइम टेकिंग नहीं होगा, तुरंत हो जाएगा। ऐसे ही इसका सॉल्यूशन कर लोगे तुरंत, इसका आंसर क्या आएगा, ए जेड इनवर्स साइन ओमेगा नॉट, यहाँ पर ओमेगा नॉट, ओमेगा इसको ओमेगा ही बोलते हैं, ठीक है, ओमेगा नॉट अपॉन 1 -2 a z इनवर्स cos ओमेगा नॉट +a² z² अरे यार देखो ये, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना तुमको। अगला क्वेश्चन दे रखा है ये 10वां, क्या रखा है, गिवन एक्स एन इतना दे रखा है, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सीन, ठीक है। हमको उसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, देखते हैं। जब एक्स एन हमारा इतना है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म कितना हुआ ये देख लेते हैं। क्या ए की पावर एन यू एन, ए की पावर एन यू एन, यू एन का क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म, जेड अपॉन जेड माइनस ए, या फिर बोल सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस जेड, सॉरी ए जेड इनवर्स, ए जेड इनवर्स, ठीक है। तो इन दोनों में से ये याद कर लो, दोनों याद कर लो, अच्छी बात है। अब इसमें क्या किया है, एन का मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। जब किसी फंक्शन में एन का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, -z और उसका डिफरेंशिएशन होता है, होता है कि नहीं होता है। देखो मैंने आप लिखवाया रखा है प्रॉपर्टी मैंने, जब किसी फंक्शन में एन का कहाँ गया, जब किसी फंक्शन में एन का मल्टीप्लाई करते हैं तो -z उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, उस मतलब जेड ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये तुम्हारा पूरा मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। तो पूरा मेथड सॉल्व करने का है तो तुम सॉल्व करो, या फिर जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाए हैं उसका ट्रिक देख लो। हमने एन ए की पावर एन यू एन का फॉर्मूला पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा रखा है, क्या होता है, ए जेड इनवर्स अपॉन 1 - a z इनवर्स का होल स्क्वायर, नहीं पढ़ा रखा है, ये पढ़ा रखा है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया है, एन को एन प्लस वन से रिप्लेस किया गया है, क्या किया इसमें और इसमें क्या अंतर है, एन को एन प्लस वन से रिप्लेस किया गया है, मतलब जो इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा उसमें हम जेड की पावर -1 से क्या कर देंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है, देखो नहीं आ रहा समझ में, कितने का अंतर है, जे एन एन को एन प्लस वन से रिप्लेस किया गया है, मतलब इसमें डिले है कितना, 1 का, तो क्या हुआ जेड की पावर -1। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, प्रॉपर्टी तुम्हारी लगेगी टाइम शिफ्टिंग वाली, टाइम शिफ्टिंग वाली, ठीक है ना। सॉरी यार, ठीक है, जैसे देखना है इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या आया था, यही तो आया था, ठीक है ये, ठीक है। अब इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म हुआ क्या होगा, इसमें सिर्फ जेड इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, जेड की पावर +1 से, सॉरी यहाँ प्लस है तो माइनस, जेड की +1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि +1 में है ना टाइम, मतलब +6 सेम ही होता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा उसमें जेड की पावर +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया इक्वल टू एक्स एन क्रॉस एक्स एन, मतलब क्या है, इन इसी सिग्नल का जो जब कन्वोल्यूशन कराएंगे उसी सिग्नल के साथ में तो क्या होता है, देखते हैं। तो इसको समझने के पहले कुछ प्रॉपर्टी मैंने पीछे वाले लेक्चर पढ़ा रखी है, दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे पढ़ा रखा है कि ए एन कन्वोल्यू सॉरी ए की पावर एन यू एन कन्वोल्यूशन ए की पावर एन यू एन हो तो उसका जो फंक्शन बनता है क्या होता है, एन प्लस वन ए की पावर एन यू एन, ठीक है। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया था, जब दोनों फंक्शन अलग अलग हो, मतलब ए की पावर एन कन्वोल्यूशन बी की पावर एन यू एन हो तो उसका जो फॉर्मूला बनता है या उसकी जो कन्वोल्यूशन का जो सॉल्व करके आंसर आया क्या आएगा, बी की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस वन बी माइनस ए यू एन, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला है, इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है, ए की पावर एन यू एन +3 कन्वोल्यूशन ए की पावर एन यू एन -5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले
पहले इसको मैच करनी है, जो u के अंदर होगा वही a की पावर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, n प्लस थ्री था तो इसको भी n प्लस थ्री करेंगे, यहाँ n माइनस फाइव था तो इसको भी n माइनस फाइव करेंगे। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस थ्री यू एन प्लस थ्री। ठीक है, अब प्लस थ्री किया है तो तीन, जब थ्री को ऐड किया तो थ्री को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस थ्री। ठीक है, कन्वोल्यूशन इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन माइनस फाइव यू एन माइनस फाइव, जब इसमें फाइव माइनस किया है तो फाइव ऐड करना पड़ेगा तो इसको बाहर लिख दिया, तो ए की पावर हो जाएगा यहाँ से माइनस थ्री आया, यहाँ से प्लस फाइव आया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो एन होता है, जो उसका कन्वोल्यूशन को सॉल्व करने के बाद जो एन आएगा उसमें क्या होता है, सारे डिले फंक्शन ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो एन चेंज हो जाएगा, एन चेंज हो जाएगा, शायद इसको याद ना करो, इसको याद कर लो, एन चेंज हो जाएगा, एन यहाँ प्लस थ्री था तो प्लस थ्री, माइनस फाइव था तो माइनस फाइव, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस टू, तो एन माइनस टू आ गया। ठीक है, जब एन माइनस टू आ गया तो इस फॉर्मूले पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, एन प्लस वन, लेकिन n की जगह पर हमारा ये हो रहा है, n माइनस टू आ रहा है, तो n माइनस टू, n की जगह आएगा n माइनस टू प्लस वन, n माइनस टू प्लस वन। ठीक है, अब क्या था, a की पावर n था तो a की पावर n, n कितना था, n माइनस टू में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या था, यू एन मतलब u n की जगह क्या था, n माइनस टू। ठीक है, अब जो यहाँ पे ए स्क्वायर था तो उसको ए, यहाँ से ए स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर को वैसे वैसे लेकर रहने दो, और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, ए की पावर एन, इसको सॉल्व करोगे तो एन माइनस वन, ये तो वैसे ही वैसे रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो, वैसे एक दो बार क्वेश्चन आए आए नहीं, वैसे आ जाए तो कर लोगे ना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा देख लेता हूँ, क्या आएगा, एन प्लस वन ए की पावर एन। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा, ग्यारह मार्क का है, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। तो हमें ये दो सिग्नल दे रखे हैं, इसको क्या फाइंड आउट करना, जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना। ठीक है, इसको मैं अपनी कॉपी सॉल्व करूँगा, यहाँ से जितने क्वेश्चन सॉल्व करूँगा देखते हैं क्या है लिखा है, जी एन मॉड इक्वल टू दे रखा है मॉड ऑफ एन ए की पावर मॉड ऑफ एन। ठीक है, तो मॉड ऑफ एन का मतलब क्या है, हम प्लस में भी लेंगे माइनस में भी लेंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया। जब प्लस लोगे, जब n ग्रेटर देन जीरो होगा तो फंक्शन ऐसा बनेगा, जब n लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, n a की पावर n u n, इसको रिप्रेजेंट तरीका का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, माइनस n a की पावर n u ऑफ माइनस n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बस। ठीक है, अब a की पावर n n a की पावर n u n का जो z ट्रांसफॉर्म मैंने बताया था, क्या बताया था, याद है, याद है, पहले यहाँ पूरा फंक्शन लिख लेता हूँ, क्या एक्स एन इक्वल टू ए एन ए की पावर एन यू ऑफ एन। ठीक है, माइनस एन ए की पावर माइनस एन यू ऑफ माइनस एन। ठीक है, अगर देखते हैं इसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स ऑफ वन अपॉन जेड, क्योंकि यहाँ पर n को माइनस n से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, जब n को माइनस n से रिप्लेस करोगे तो z वन अपॉन जेड में कन्वर्ट हो जाता है, आ रहा है ना कुछ समझ में, तो भाई देखते हैं इसका z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। ठीक है, a की पावर n u n का जो z ट्रांसफॉर्म मैंने बताया था, क्या बताया था, z अपॉन z माइनस a बताया था ना, अगर और n a की पावर n u n का जो z ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, याद है ना, हाँ क्या, ए जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, सही बताया ना, नहीं बताया ना, या फिर हम बोल सकते हैं ए जेड इनवर्स वन माइनस ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर, ये पढ़ा था ना, ये भी पढ़ लो। ठीक है ना, तो ये दोनों हम पता है, इसका जो आर ओ सी होगा, क्या आर ओ सी होगा, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब इसको जेड को वन अपॉन जेड से जब रिप्लेस करोगे तो जो इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा क्या हो जाएगा, ए यहाँ जहाँ जेड लगा वहाँ वन अपॉन जेड कर दो तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन जेड अपॉन वन अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ का आर ओ सी क्या आया था, ये आया था, अब यहाँ का आर ओ सी क्या आएगा,
यहाँ का आर ओ सी क्या आएगा बताओ, देखते हैं। जब यू एन था तो ग्रेटर देन यू माइनस एन है तो लेस देन, तो वन अपॉन मोड ऑफ जेड माइनस ए इज लेस देन जीरो। इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ जेड इज लेस देन वन अपॉन ए, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, लिख दो इसको, इन दोनों में फॉर्म, इन दोनों जब फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म था क्या था, ये था ए जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस इस पूरे का जेड ट्रांसफॉर्म क्या आया था, ए इंटू वन अपॉन जेड अपॉन वन अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का आंसर ये आ गया, बट जो इसका आर ओ सी होगा इन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा क्या, इसका और इसका। ठीक है, तो इसका आर ओ सी क्या हो जाएगा, देखो क्या इससे लेस देन और इससे ग्रेटर देन, तो ये उसका मोड ऑफ ए आएगा, क्या आएगा, ए मोड ऑफ जेड आएगा, जो आर ओ सी आएगा ये तो आएगा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसका आर ओ सी आएगा क्या ए से ग्रेटर देन है, ए से ग्रेटर देन और वन अपॉन ए से लेस देन है, तो वन अपॉन ए से लेस देन है, तो आर ओ सी इसका ये हो जाएगा, उसका आंसर ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा, ये है। ठीक है, तो इसको हम एच एन से लिख सकते हैं, एन का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसको हम सही से लिख देते हैं कैसे, एन यू एन माइनस, यहाँ एन माइनस फाइव है तो इसको भी एन माइनस फाइव लिख देते हैं, एन माइनस फाइव यू एन माइनस फाइव। अब इसमें फाइव सब्ट्रैक्ट किया है तो फाइव ऐड भी करेंगे, जब ऐड करोगे तो बाहर माइनस लगा है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस यू एन माइनस फाइव। कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है, एन यू एन, सही कह रहा हूँ ना, एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड बोलो बोलो, जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ये तो होता है ना। अब इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म क्या करोगे, देखो टाइम शिफ्टिंग हो रही है, कितनी शिफ्ट हो रही है, माइनस फाइव हो रहा है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, जेड की पावर माइनस फाइव से। ठीक है, इसमें इसमें तो ये हो जाएगा जेड की पावर माइनस फाइव जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म ने पढ़ाया था जेड अपॉन जेड माइनस वन, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, देखो मैंने दिखाना पड़ेगा तुमको कहाँ गया मेरा जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जेड एन यू एन का जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब माइनस यू ऑफ यू एन माइनस फाइव का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, दो यू एन का क्या होता है, जेड अपॉन जेड माइनस फाइव, क्या जेड अपॉन जेड माइनस फाइव। ठीक है, सॉरी जेड अपॉन जेड माइनस वन। अब इसमें कितना टाइम शिफ्टिंग है, माइनस फाइव का, तो मल्टीप्लाई कितने होगा, जेड की पावर माइनस फाइव का। ऐसे तो सोल्व कर लोगे, नहीं कर पाओगे, कर लेना यार, तो एक स्टेप और लिख देता हूँ, अगर इस सब में जेड की पावर माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जेड ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे सेम ही बेस, तो ऊपर कितना आएगा, जेड की पावर माइनस फोर। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस जेड माइनस वन इंटू जेड की पावर माइनस फोर। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर लिख लेना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑन द फॉलोइंग सिग्नल, हमको ये जेड फाइंड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या था, जी एन इक्वल टू ए की पावर एन यू एन बाई टू, ये तो था। हाँ, अब देखते हो, अब क्या करना, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो अंदर होता है वही ऊपर होना चाहिए, मतलब पावर में होना चाहिए, यहाँ पर एन बाई टू है तो यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, पहले एन बाई टू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन स्क्वायर की पावर एन बाई टू इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या था, यू एन अपॉन टू, सही है ना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया, कौन सा, ए की पावर एन यू एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है क्या होता है, ए की पावर एन जेड अपॉन जेड माइनस ए, होता है कि नहीं होता है। अब एन को एन बाई टू किया है, क्या किया है, एन अपॉन एन बाई टू किया है, जब एन को एन बाई टू किया है तो जेड में कितने कन्वर्ट होता है, जेड को जेड स्क्वायर से कन्वर्ट करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं,
जब n को n बाई टू से रिप्लेस करते हैं तो जेड में क्या करते हैं, जेड स्क्वायर से कन्वर्ट करते हैं। तो जहाँ जहाँ जेड लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे, जेड स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए की पावर n बाई टू यू की पावर n बाई टू का पावर, ठीक क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए। वेट 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 सेकेंड वेट सेकेंड, बट यहाँ पर क्या ए स्क्वायर है, ठीक है। जब ए को ए स्क्वायर से कन्वर्ट करोगे, क्या ए को ए स्क्वायर से करोगे कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ ए लिखा है वहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था, ये था, हमने जी टू एन इक्वल टू दे रखा है यू ऑफ एन बाई टू, ठीक है। इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है हमको, यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म पता है, यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म कितना होता है, जेड अपॉन जेड माइनस ए होता है कि नहीं होता है। अब एन को एन बाई टू से रिप्लेस किया, क्या एन को एन बाई टू से रिप्लेस किया तो जेड को जेड स्क्वायर से कन्वर्ट कर देते हैं, तो जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए हो गया आंसर। बहुत कठिन था, नहीं था। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ वन होगा, जेड अपन जेड माइनस वन, तो यहाँ पर वन आ जाएगा, सॉरी 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 गलती होगी, ठीक है। तो ये क्या जेड थ्री, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, जी थ्री एन इक्वल टू दे रखा है यू एन माइनस वन अपॉन टू दे रखा है। इसको पहले अच्छे ढंग से लिख लेंगे सेपरेट करके, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पहले शिफ्ट करेंगे फिर स्केलिंग करेंगे फिर रिवर्सिबल, ठीक है, एस एस आर, ठीक है। तो करेंगे पहले इसको सही से लिख देंगे एन वाई टू माइनस वन वाई टू, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था यू एन का, ठीक है, यू एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है क्या होता है, जेड अपॉन जेड माइनस वन। अब इसमें टाइम शिफ्ट करेंगे वन बाई टू का, ठीक है, यू एन माइनस वन बाई टू। तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जितने का टाइम शिफ्ट है उसमें जेड की पावर हो जाएगी, जेड की पावर माइनस का एक बटे दो जेड अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है। अब एन को एन बाई टू से रिप्लेस करेंगे, क्या एन को एन बाई टू से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड को जेड स्क्वायर, जेड को की जगह क्या लिख देंगे, जेड स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, पेज नहीं। जब जेड को जेड स्क्वायर से करोगे कन्वर्ट तो जेड स्क्वायर की पावर वन बाई टू, जेड की पावर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर जेड की पावर माइनस वन इंटू, यहाँ पर भी जेड को जेड स्क्वायर से कन्वर्ट करोगे तो यहाँ जेड स्क्वायर अपॉन इसको भी जेड स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट पहले इसमें एक बार समझा देता हूँ क्या किया पहले। इसमें पहले सेपरेट किया, फिर क्योंकि अब सेपरेट क्यों किया, क्योंकि हमें पहले शिफ्टिंग करनी है फिर स्केलिंग करेंगे, अगर रिवर्सिबल करना हो तो फिर रिवर्सिबल करेंगे। तो पहले इसको सेपरेट किया, पहले क्या किया, यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म इतना होता है, फिर टाइम शिफ्टिंग की वन बाई टू की, तो वन बाई टू की जेड टाइम शिफ्ट करोगे तो जेड की पावर माइनस वन बाई टू आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब एन इसमें क्या है, एन अपॉन टू है, तो एन को रिप्लेस करेंगे एन बाई टू से। जब एन को एन बाई टू से रिप्लेस करोगे तो तुम्हारा जेड किस में चेंज हो जाएगा, जेड स्क्वायर में, इसका स्क्वायर करोगे जेड की पावर माइनस वन, और जहाँ जेड जेड लिखा है इसका जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख सकते, जो हमारा अगला क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, एक्स जेड इक्वल टू इतना दे रखा है, वैल्यूएट एक्स एन इफ आर ओ सी दिस दिस दिस, ठीक है। ये तीन आर ओ सी दे रखे हैं, इसमें एक्स एन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम उतारेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स जेड अपॉन जेड, कोई जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेड में तो इसका एक जेड नीचे लाएंगे, बाकी को यहीं लिखे रहेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, जेड अपॉन इसमें से एक जेड यहाँ चला गया, ठीक है, जेड अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस पॉइंट फाइव, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करेंगे, जब अलग अलग करेंगे तो इसका आंसर आएगा टू अपॉन जेड माइनस वन माइनस वन अपॉन जेड माइनस पॉइंट फाइव, ठीक है। अब इस जेड को वापस से यहाँ ला देंगे, ठीक है, एक्स जेड इक्वल टू होगा टू इंटू जेड अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है, स्पेशल लिख दिया माइनस जेड अपॉन जेड माइनस पॉइंट फाइव, ठीक है। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालोगे इसका, जब
पहला आर ओ सी दे रखा है क्या, फर्स्ट जो आर ओ सी है क्या, मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, पहले फिगर बना देते हैं। दो पॉइंट है, एक तो है 0.5 और एक है 1। ठीक है, ये ठीक है। पहले जो आर ओ सी क्या, मोड ऑफ वन ग्रेटर देन, मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन, मतलब एक्सटीरियर ऑफ द वन। ठीक है, ये हमारा आर ओ सी होगा। जब ये आर ओ सी है मतलब वन का भी एक्सटीरियर है और पॉइंट का, 0.5 का भी एक्सटीरियर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर में यू एन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो उसका एक्स एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू इसका जो यू एन सॉरी इनवर्स जेड टर्म्स में लगाओगे तो ये किसका है, जेड टर्म्स में यू एन का। ठीक है, ये भी एक्सटीरियर का हमें लगाना है, तो ये आ जाएगा 0.5 की पावर एन और यू एन। ठीक है, पहला हो गया। सेकेंड वन, जब 0.5 से लेस देन है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 0.5, मतलब 0.5 का भी इंटीरियर है और 1 का भी इंटीरियर है, तो इंटीरियर में कौन सा फॉर्मूला रहेगा, बस कितना अंतर आ गया, यू एन की जगह पर माइनस यू माइनस एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, इतना अंतर आएगा, तो जो एक्स एन आएगा इस आर ओ सी के लिए क्या आएगा, 2 इंटू माइनस यू माइनस एन माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पर भी 0.5 की पावर एन माइनस यू माइनस एन माइनस वन। ठीक है, समझ आ रहा है। और जो हमारा थर्ड आर ओ सी दे रखा था, क्या दे रखा था, मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, तो इस आर ओ सी के लिए, इस आर ओ सी के लिए ये आर ओ सी कहाँ पर, 0.5 के एक्सटीरियर है, 1 के इंटीरियर है। ठीक है, तो 1 में कौन सा लगेगा, माइनस वाला फॉर्म रहेगा, और जो हमारा 0.5 में कौन सा लगेगा, प्लस वाला फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो जो इसका आर ओ सी हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 1 से इंटीरियर है। ठीक है, तो u माइनस एन माइनस वन माइनस, और 0.5 की एक्सटीरियर है तो 0.5 की पावर एन ये। ठीक है, समझ आया कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 16 के, कह रहा है एक्स जेड इक्वल टू दिस, क्या बोल रहा है, एक्स जेड इक्वल टू दिस एंड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इज लेस देन 1 विद द आर ओ सी स्पेसिफाइड एज मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन बी मॉड ऑफ बी एक्स नॉट इज करस्पॉन्डिंग सिक्वेंस इज द गिवन बाई। ठीक, हमको एक्स नॉट फाइंड आउट करना है, तो एक्स नॉट फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको एक्स एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाना, ये जो जेड में होता है ये कैपिटल एक्स होता है, क्या होता है, यहाँ कैपिटल एक्स होता है और ये क्या है, स्मॉल एक्स है। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी डोमेन है, ये टाइम डोमेन है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी डोमेन को पहले टाइम डोमेन जब कन्वर्ट करोगे तो पहले इसमें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लगाओगे। ठीक है, इन दोनों के, ए के राइट में बी के लेफ्ट में, ठीक है, क्या बोला, ए के राइट में बी के लेफ्ट में, ए का राइट तो यू एन, बी का लेफ्ट मतलब माइनस यू माइनस एन। ठीक है, तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1/2 ए की पावर एन और यू एन, और इसका हो जाएगा, इसका एक माइनस बाहर ले लिया तो क्या 1/3 बी की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन। ठीक है, ये हमारा किसमें, टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हमें एक्स नॉट फाइंड आउट करना था, तो एक्स नॉट कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब बी की पावर एन कितना होता है, 1 होता है, यू एन माइनस वन, जहाँ एन है वहाँ 0 पुट करोगे तो क्या है, यू माइनस वन। ठीक है, तो यू माइनस वन की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि हमारा फंक्शन कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है ना, ये लड़के कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है ना, तो लड़के बोलेंगे सर ये तो यहाँ पे भी बनता है, तो यू माइनस वन की वैल्यू कैसी होगी, देखो यू के अंदर की जो वैल्यू होती है वो यहीं से देखेंगे हमेशा। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आती है तो 0, अगर बोलता है यू ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या सॉरी एक्स ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हो जाता है माइनस थ्री, यहाँ पर हो जाता है 2, तो ये 1 हो जाता है। अब बोलना है ए फोर की वैल्यू बात करो, एन एक्स फोर की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5, तो ये 0, ये हो जाएगा u 5, तो ये 1। ठीक है ना, याद रखो u के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, n की वैल्यू पुट करने पर वही वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो, और ये फंक्शन un का ऐसे बनता है। ठीक है ना,
समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लोगे। देखो लेस देन टू है, मतलब थ्री और फोर है, सॉरी टू और थ्री है, टू और थ्री है, लेकिन इसमें छोटा पॉइंट कौन है, ये है उसकी भी लेफ्ट में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? माइनस ऑफ माइनस यू माइनस एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगेगा दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे सॉल्व होंगे? अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो कोई एक मार के आ जाओ। ठीक है, अगर टाइम है तो इसको तुम क्या करना है, पार्सल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। जब इसके पार्सल फ्रैक्शन करोगे तो ये आएगा। ठीक है, कैसे? पहले जेड को यहाँ ले जाओगे, फिर इसको अलग अलग करोगे, फिर जेड को ऊपर ले जाओगे, तो फिर ऐसा हो जाएगा। अब ठीक है, ये इसमें कौन सा लगेगा? माइनस ऑफ यू माइनस एन माइनस वन वाला, क्यों? टू के लेफ्ट में, तो थ्री के लेफ्ट इंटीरियर होगा, अगर टू के इंटीरियर में है तो थ्री के इंटीरियर ही तो होगा। ठीक है भैया, तो इसको भी कितना, ये सेम होगा। अब इसमें से यू माइनस एन माइनस वन कॉमन लोगे तो क्या आएगा? टू की पावर एन माइनस थ्री के पावर एन। ठीक, ऑप्शन एलिमिनेट तो ऐसे ही हो रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं, इन दोनों में देखना था, तो इन दोनों में कौन सा सही हो गया? ये ऑप्शन ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन था, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। देखो मैं ये पढ़ाने वाला था पहले, तो मैंने सोचा कि ऐसे क्वेश्चन कभी गेट में ईएस में ईएस के प्री में और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। ठीक है, क्यों? हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं? हमारे क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल वाइज। ठीक है ना, हाँ, ये ईएस के मेंस में आ सकता है, और ये गेट में ईएस में क्या आएगा, सिर्फ आएगा इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म या जेड ट्रांसफॉर्म निकालना। ठीक है, तो इसका तुम सीधे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लो, और इसके लिए क्या आएगा, ए की पावर एन यू एन, इसके लिए क्या हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस यू माइनस एन माइनस वन। ठीक है, ये पता ही होगा तुमको, तो इसको ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब तुम्हारे ईएस हो जाएगा, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, अगर हुआ ईएस के मेंस, मुझे लगता नहीं है कि अभी एक दो साल तक हमारे कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है। ठीक है, तो उसमें अगर प्री का हो गया तो मेंस के लिए जब मैं तैयारी करवाऊँगा तो ये सब पढ़ा दूँगा मैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन, ठीक है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड बाहर में जाने, तो क्या करना, सीधे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, कैसे निकालोगे उसको? पहले एक्स जेड को डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या करोगे, एक्स जेड को डिफ्रेंशिएट करोगे, तो उसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो सीधे 20। देखा, इफ यू एन इज यूनिट स्टेप डेल इन पर यूनिट इम्पल्स फंक्शन देन द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। हमने पढ़ा था जेड अपॉन जेड प्लस वन, सो जेड अपॉन जेड माइनस वन, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस वन की पावर एन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जेड नहीं है, तो जेड लाने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सही से लिखना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस जेड अपॉन जेड प्लस वन। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, डेल एन होता है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, माइनस वन की पावर एन यू एन, और सब कुछ के में दे रखा है, तो डेल के माइनस वन की पावर के यू के, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमको ये सॉल्व समझ में नहीं आ रहा है तो उल्टा भी कर सकते हो इसको, इन सबको क्या निकाल लो, जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे तुमको अच्छा लगे कर लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन ये, क्या एक्स जेड इतना दे रखा है, विथ मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ए, द रेसिड्यू ऑफ दिस एट जेड इक्वल टू ए फॉर एन ग्रेटर देन जीरो विल बी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एन क्या होता है, एन ए की पावर एन माइनस वन यू एन। ठीक है, पता नहीं कैसे करना है, देखो सीधे इसका करो कैसे कर, रेसिड्यू वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले एक्स जेड को वैसे ही वैसे लिख देते हैं। ठीक है, हम किसका रेसिड्यू निकालना है, इसका रेसिड्यू निकालना है। इसका रेसिड्यू निकालने के लिए दोनों साइड जेड की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो जेड की पावर एन माइनस वन का मल्टीप्लाई दोनों साइड करोगे, जहाँ जेड की पावर एन हो जाएगा। ठीक है ना, अब रेसिड्यू निकालना है इसका। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो इसको हमें सोल्व करने पर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव। तो रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, वन अपॉन वन का फैक्टोरियल। ठीक है, वन अपॉन ये कैसा आता है, वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल रेसिड्यू निकालने का तरीका है, डी एन माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर एन माइनस वन और जेड माइनस ए की पावर एन माइनस सॉरी एन
जेड की पावर जो भी दे रखा हो यहाँ पर एक्स जेड आता, क्या आता है एक्स जेड आता, ठीक है। अब यहाँ सेकेंड डेरीवेटिव था ना, स्क्वायर था, तो सेकेंड डेरीवेटिव निकालेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ यहाँ टू पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। निकालना कितना था ए पर, तो जेड इक्वल टू ए पर, इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा एन जेड की पावर एन माइनस वन, ये हो जाएगा। अब किस में निकालना ए पर, तो जहाँ जेड लिखा वहाँ ए पर करो तो आंसर कितना जाएगा इतना आ जाएगा, समझ में आ रहा है। इससे क्वेश्चन बनते नहीं है वैसे, ठीक है। अब अगला ये हमारी स्लाइड यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हो गया है लेकिन काफ़ी बड़ी स्लाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका पार्ट टू में आगे लेके आऊँगा, इसमें 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 क्वेश्चन उसमें करवा दूँगा, हमारे सिंगल सिस्टम का जेड ट्रांसफॉर्म अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक की, सब्सक्राइब की, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। ओके बाय।